ये तो ज़रूर पता होगा कि कंटेंट राइटर्स क्या होते हैं, कंटेंट राइटिंग जॉब्स क्या हैं और इसमें क्या करते हैं। पर जो चीज़ तुमको नहीं पता होगी वो ये है कि हाउ टू फाइंड अ कंटेंट राइटिंग जॉब, हाउ टू फाइंड अ वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग जॉब दैट पेज यू वेल एंड ऑफर्स यू रेगुलर वर्क। आज के इस वीडियो में मैं वो सारी टिप, ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊंगी जिससे तुम अपने नीश के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग कंटेंट राइटिंग जॉब्स ढूंढ सकते हो। यही नहीं, मेरी अगर टेक्निक्स यूज़ करोगे तो तुम्हें ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि तुम्हें रेगुलर ऑफर वर्क ऑफर करेंगे और अच्छा पे करेंगे, और अगर उनको तुम्हारा वर्क पसंद आता है तो शायद वो तुम्हें अपनी कंपनी में एज अ परमानेंट कंटेंट राइटर भी रख ले। पता, जब मैं वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रही थी तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में था कि जॉब ढूंढे कैसे। बहुत सारे वीडियोस ऐसे थे जिन्होंने ये तो बता दिया टेक्निकल राइटर होते हैं, एकेडमिक राइटर होते हैं, फाइनेंस राइटर होते हैं, बुक राइटर होते हैं, फलाना ढिमाका, पर किसी ने भी ये नहीं बताया कि असल में भैया ये जॉब ढूंढे कैसे। पर तुम्हें उस सिचुएशन में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि तुम तो मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं तो तुम्हें बता ही दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मुझे भी थोड़ा फील गुड हो। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है फेसबुक के थ्रू। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास फेसबुक अकाउंट ना हो, और अगर नहीं है तो भैया कौन सी दुनिया से हो। नाउ जोक्स अपार्ट, ये जो फेसबुक के थ्रू कंटेंट राइटिंग जॉब्स ढूंढने का तरीका है ये इजी और सक्सेसफुल दोनों है। इजी इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास फेसबुक अकाउंट है, सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि तुम इसके थ्रू डायरेक्टली क्लाइंट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या थर्ड पर्सन बीच में कमीशन लेने के लिए इन्वॉल्व नहीं होता है। तो तुम्हें क्या करना है, अपने फेसबुक अकाउंट पे जाना है और उसमें कंटेंट राइटर ग्रुप्स को सर्च करके ज्वाइन करना है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे जो कि बहुत पॉपुलर और ट्रस्टवर्दी ग्रुप्स हैं, वो है सीरियस कंटेंट राइटर्स नीडेड, कंटेंट राइटर्स इंडिया एंड फ्रीलांस कंटेंट राइटर। इन ग्रुप पे बहुत सारे क्लाइंट्स रेगुलरली वर्क पोस्ट करते हैं। तुम इन क्लाइंट को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, अपने सैम्पल्स दो, अपना CV दो, ताकि वो तुम्हें वर्क दे पाएँ। ऑल्टरनेटिवली तुम एक और काम कर सकते हो कि इन ग्रुप्स पे जाके पोस्ट करो कि आई एम अनम खान, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉन्टेंट राइटिंग, माई एक्सपर्टाइज नीश इज दिस दिस दिस, आई कैन प्रोवाइड यू रेगुलर बल्क वर्क, कॉन्टैक्ट मी एट दिस 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 ईमेल ID। ऐसा करने से तुम्हें जो क्लाइंट्स हैं वो खुद कमेंट या मैसेज करेंगे। तो ये हो गई थ्योरेटिकल नॉलेज, अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है। प्रैक्टिकली समझने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप अपना फेसबुक अकाउंट खोलिए, फिर उस पर टाइप करिए कॉन्टेंट राइटर्स। जब आप टाइप करेंगे तो देखिए आपको कितने सारे ग्रुप के ऑप्शंस मिल गए। ये कुछ कुछ ग्रुप्स मैंने पहले से ज्वाइन करे थे जब मैं कंटेंट राइटर की जॉब ढूंढ रही थी, तो इसलिए अभी भी मैं उन ग्रुप्स की मेंबर हूँ। लेट्स सी द फर्स्ट ग्रुप। सी लाइक द फर्स्ट पोस्ट सेज वी आर लुकिंग फॉर इन हाउस फीमेल कंटेंट राइटर हु इज वेल एक्सपीरियंस्ड विद फैशन, DIY, होम डेकर, फूड एंड पेरेंटिंग नीश। सी द नेक्स्ट वन इज लुकिंग फॉर अ वेब कॉन्टेंट राइटर फॉर अ वेबसाइट, दैट मीन्स ही इज अ ब्लॉगर। लेट्स सी द थर्ड वन इज लुकिंग फॉर अ बुक राइटर और अ ऑथर। सी नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पोस्ट। सी अनदर जॉब पोस्ट, दिस पर्सन रिक्वायर्ड 6,000 per week, बेस्ट कॉन्टेंट राइटिंग सर्विसेज। सी देर आर सो मैनी ऑप्शन, इफ यू स्क्रॉल डाउन there are endless option, so prefer joining these groups and then applying to a couple of clients for getting your first job. Now let's move on to the second topic. तो आते हैं अपनी सेकेंड स्ट्रैटेजी पे जो है फ्रीलांस वेबसाइट्स। यार मैं तो ऐसा कहूँगी कि ऐसी कोशिश करो कि तुम्हें सेकेंड स्ट्रैटेजी पे जाना ही ना पड़े। ऐसे क्लाइंट्स ढूंढो जिनकी खुद की डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हों, या वो ब्लॉगर्स हों, या बहुत सारी वेबसाइट्स रन करते हों। उनको ऐसा वर्क दो कि वो खुद आकर कहें कि बहुत हो गया फ्रीलांस, कैन यू बी अ परमानेंट राइटर फॉर मी। लकली मुझे भी एक ऐसा क्लाइंट मिला जिसकी खुद की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और वो खुद 5 to 10 वेबसाइट्स रन करता है।
आज मैं उसकी कंपनी में एज अ फुल टाइम कॉन्टेंट मैनेजर वर्क करती हूँ, एंड वो भी इट्स वर्क फ्रॉम होम। चलिए अब हम अपनी सेकेंड स्ट्रैटेजी को थोड़ा इन डिटेल समझते हैं, फ्रीलांस वेबसाइट्स। आजकल बहुत सारी ऐसी फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको कंटेंट राइटिंग का वर्क मिल सकता है। उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर और ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स हैं fever.com, Upwork, PeoplePerHour एंड freelancer.in। इन वेबसाइट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इन वेबसाइट्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड के लिए वर्क कर सकते हैं, और सेकेंडली ये वेबसाइट्स आपको डॉलर में पे करती हैं। अब डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपये से तो कहीं ज़्यादा है, तो इन शॉर्ट आपको इन वेबसाइट्स के थ्रू कम काम करके ज़्यादा पैसा मिल सकता है। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इन वेबसाइट्स पे जाना होगा, अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, अपने एक्सपर्टाइज नीश अपलोड करने होंगे और अपने कुछ 5 to 7 बेस्ट सैम्पल राइटअप्स भी अपलोड करने होंगे। इनिशियली ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आपके साथ हर एक जॉब पोजीशन के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर राइटर्स भी होंगे जो कि बिड कर रहे होंगे। तो जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी, आपको एक ऐसी बिडिंग स्ट्रैटेजी निकालनी है जो कि आपके कॉम्पिटिटर राइटर्स से कम हो। आप उनकी बिडिंग स्ट्रैटेजी को क्लोजली रीड करिए और उनके डिलीवरी टाइम को भी देखिए। मेरी सजेशन ये रहेगा कि अपनी बिड और अपना डिलीवरी टाइम दोनों को अपने कॉम्पिटिटर से कम रखें ताकि आप क्लाइंट आपको ही चूज़ करें। यार हर एक को कम टाइम में कम पैसे में काम कराना पसंद है, तो ऐसा करने से 30-40% चांसेस है कि वो क्लाइंट आपको ही मिलेगा। लास्टली जो जिस चीज़ को आपको ध्यान रखना है वो है डिस्क्रिप्शन। बिड करते टाइम आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको ये लिखना है कि कैसे आप अपने क्लाइंट के लिए रिक्वायरमेंट्स पे फिट बैठते हैं। कोशिश ये करिए वो डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाइए ताकि आपको क्लाइंट चूज़ करे। तो चलिए अब इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा इन डिटेल प्रैक्टिकली समझते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि फ्रीलांसर वेबसाइट्स पर जॉब कैसे ढूंढते हैं। आपको गूगल पर जाना होगा और टाइप करना होगा कॉन्टेंट राइटिंग जॉब्स freelancer.in। मैं फ्रीलांसर पे ढूंढने जा रही हूँ इसलिए मैंने freelancer.in लिखा है। अगर आप अपवर्क पे ढूंढेंगे तो आप यहाँ पे अपवर्क लिख सकते हैं, या अगर फीवर पे ढूंढना है तो आप यहाँ पे फीवर लिख सकते हैं, डिपेंडिंग आप कौन सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे इसको सर्च करने जा रहे हैं। सी लेट्स गो ऑन द साइट, सी दिस इज द फ्रीलांसर वेबसाइट, लेट्स गो ऑन दिस लिंक। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी जॉब्स हैं, जैसे हमारी पहली जॉब है वो है कॉपी राइटर की फॉर ऑनलाइन इन्वेंटर कोर्स। ये जॉब से आपको 27,000 रुपीज़ मिल सकते हैं। सेकेंड वन इज़ फॉर 4,206। द थर्ड इज़ फॉर वेब कंटेंट राइटर रुपीज़ 826 पर आर। तो चलिए देखिए, आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको ये बिड नाउ का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बिड कैसे करनी होती है। आप अपनी प्रोफाइल जब बना लेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे यो बिड आएगा, और मैंने अभी अपने अकाउंट से लॉगिन नहीं करा हुआ है तो इसलिए मुझे मेरा ईमेल एड्रेस मांग रहा है। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो सिर्फ आपको का बिडिंग अमाउंट और डिस्क्रिप्शन मांगेगा। ये देखिए, अब इस जॉब पोस्ट के लिए कॉम्पिटिटर्स की बिड को देखते हैं। देखिए, ये इनोवेटिव हब हैज कोटेड $15 पर आर। सी शी हैज़ रिटन वन डिस्क्रिप्शन, सो दिस डिस्क्रिप्शन शुड बी वेरी इम्प्रेसिव। आप ना ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखिए कि जो क्लाइंट है उसको लगे आपका राइटअप उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। मेक इट वेरी इम्प्रेसिव। देखिए, किसी ने $15 कोट कराए, फिर सेकेंड वाले ने भी 15, 15, 15, 20, 15, 50। तो इस तरीके से आप अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको क्लोजली मॉनिटर करिए और अपना बिडिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली बनाइए। तो चलिए अब आते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, जो कि है वेबसाइट्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हमारे थर्ड ऑप्शन पे, दैट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डिजिटल मीडिया हाउसेज, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज एंड कॉन्टेंट एजेंसीज। आजकल कंटेंट की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि लोगों ने अपनी इंडिविजुअल कंटेंट राइटिंग एजेंसीज भी ओपन कर ली हैं। अब बात आती है इनको कॉन्टैक्ट कैसे करा जाए।
सबसे पहला चीज़ जो आपको करनी है वो है ये कि आपको गूगल पे जाना है, एक 30-40 ऐसी कंपनीज की लिस्ट निकाल लेनी है। अब आपके पास लिस्ट आ गई, नेक्स्ट व्हाट यू वांट इज़ देयर ईमेल आईडीज। इसको सर्च करने के लिए आप उन कंपनीज की वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट के बॉटम पेज पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कैरियर, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ या कॉन्टैक्ट अस के। इन ऑप्शंस में आपको उनकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप पहले से ही कुछ 30-40 कंपनीज की ईमेल आईडी को सॉर्ट आउट कर लें। अब सॉर्ट आउट करने के बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक मेल ड्राफ्ट करना है। उस मेल में आपको एक कवर लेटर बनाना होगा जिसमें लिखना होगा कि आप एक कंटेंट राइटर हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके एक्सपर्टाइज नीश क्या है, आपने कहाँ कहाँ पे वर्क कर लिया है। उस मेल के साथ आपको अपना सीवी और सैम्पल राइटअप्स भी अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद उन सारी कंपनीज़ को आप अपना मेल फॉरवर्ड कर दिए। यार बहुत ईजी है, सिर्फ एक बार लिखना है और बाकी सबको कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आई कैन गारंटी यू 30-40 में से 5-7 कंपनीज के पास तो वैकेंसीज होगी ही होगी और आपको हायर ज़रूर करेंगी। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, पर उतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा कि ये टास्क नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए। टेक योर टाइम, गो फॉर द बेस्ट एजेंसीज, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज एंड बेस्ट डिजिटल मीडिया हाउसेज टू गेट अ गुड क्लाइंट। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ या एजेंसीज़ को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कैसे उनका ईमेल और उनकी जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो ढूंढ सकते हैं। गूगल पे आप टाइप करिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए कितनी सारी लिस्ट हैं। फर्स्ट इज़ ग्रो क्रव, देन इट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, विस्टा इंडिया, ब्रांड स्टोरी, रेलकॉन, डिजिटल विद्या, सोशल ऑरेंज। देखिए कितनी सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं। तो चलिए इनमें से मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ कि इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे निकालिए। लेट्स ओपन दिस vistasindia.com। देखिए अब vistas@mediacommunications, इसका मैंने होम पेज खोल लिया है। अब आपको क्या करना है, एकदम बॉटम ऑफ द पेज पे आना है। ज़्यादातर करियर अपॉर्चुनिटीज़ और अब कॉन्टैक्ट अस की डिटेल्स वहीं मिलती हैं। देखिए मैं एकदम एंड में आती हूँ। ये देखिए कॉन्टैक्ट इन्फो, देन बिजनेस इंक्वायरीज। सी ये देखिए फॉर करियर अपॉर्चुनिटीज़ कॉन्टैक्ट कार्तिक, उनका उसका मोबाइल एड्रेस और ईमेल आईडी दोनों दिया हुआ है। आप इस तरीके से एक लिस्ट बनाइए पॉपुलर डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ की और उनके ईमेल आईडीज़ भी निकालिए। आप एक लिस्ट बना लेंगे तो आपको ईजी होगा उनको ईमेल भेजने में। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ। अब हम आते हैं अपनी लास्ट स्ट्रैटेजी पे, दैट इज कॉन्टैक्टिंग द वेबसाइट्स डायरेक्टली। जो भी आपका एक्सपर्टाइज नीश है उसमें कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स तो होंगी ही। जैसे कि अगर आप एक हेल्थ राइटर हैं तो उसकी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं हेल्थ लाइन, मेड लाइफ, वेब मेड, देन मेडिसिन टुडे, practo.com एक्सेट्रा। और अगर आप एक न्यूज़ आर्टिकल राइटर हैं तो उसकी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे एंड NDTV। तो ये तो डेफिनेटली है कि आपके नीश पे कुछ वेबसाइट्स पॉपुलर ज़रूर होंगी। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो ये है कि अपने नीश की कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स को सर्च करना है। इसको सर्च करने का सबसे इजी तरीका ये है, अपने नीश का कोई भी टॉपिक, जैसे कि अगर आप एक हेल्थ राइटर हैं तो आप टाइप करिए हाउ टू क्योर पिंपल्स, ये टॉपिक डालिए। आपको जो शुरू की 15-20 वेबसाइट्स होंगी वही आपके नीश की पॉपुलर वेबसाइट्स होंगी। अब नेक्स्ट आपको वेबसाइट्स के नाम तो मिल गए, अब आपको इनकी ईमेल आईडी सर्च करनी है। ईमेल आईडी सर्च करने के लिए आप इनकी वेबसाइट्स ओपन करिए। पेज के बॉटम में आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ या कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ से आपको इनकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। अब ईमेल आईडी मिलने के बाद आपको नेक्स्ट एक मेल ड्राफ्ट करना है जिसमें आप एक कवर लेटर डालेंगे, अपना सीवी डालेंगे और अपने कुछ पॉपुलर सैम्पल्स डालेंगे। इन सबको डालने के बाद आपको उन सारी वेबसाइट्स को मेल कर देना है। कोशिश ये करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स को मेल करें ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाईज आएँ। आई गारंटी कि यार अगर आप 40 को करोगे तो 10 को आपको रिप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट राइटर्स की ज़रूरत होती है।
ये भी एक इजी स्टेप है, मे बी इट विल टेक सम टाइम बट यू कैन डू इट। यकीन मानिए अगर आप इन सारी स्ट्रैटेजीज को रिग्रेसली फॉलो करेंगे तो आपके पास एक हैंडफुल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज तो ज़रूर आएंगी। द ओनली की इज़ टू बी पेशेंट एंड कीप वर्किंग हार्ड। एज इट इज़ राइटली सेड, काबिल बनो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट स्टॉप, कीप रनिंग फॉर सक्सेस।